हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, कि हम एसेट और लायबिलिटीज़ का कैसे उनकी कैसे रिवैल्यू करते हैं, कैसे उनका पुनर्मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि जब भी किसी फर्म में किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो वहाँ पर हमें अपनी एसेट्स को और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करना पड़ता है। रिवैल्यू मीन्स उनको उनकी वैल्यू को वापस चेक करना पड़ता है कि जो हमने बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू, आज उस एसेट्स और लायबिलिटीज़ की मार्केट में कैसी वैल्यू है, हम उन्हीं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं, उन्हीं को वापस वैल्यू चेक करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज आता है। कुछ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और कुछ एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो अभी उन एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू जो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो हमें वहाँ पर उन एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। क्योंकि कोई भी जो नया पार्टनर आएगा, ना तो वो सफ़र करेगा वो लॉस जो एसेट की वैल्यू में कम होने से हुआ है या फिर लायबिलिटीज़ की वैल्यू में बढ़ने से हुआ है। क्योंकि अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो वहाँ पर भी फर्म को लॉस होगा, और अगर सेम ऐसे ही अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ गई है, अगर हमें किसी को पेमेंट 10,000 की करनी है पर जब हमने मार्केट में चेक किया, मीन्स हमने अपना वापस चेक किया सब कुछ, तो पता चला कि वही लायबिलिटी हमारी 15,000 की हो गई, तो मतलब कि जो हमारा लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ गई। और ऐसे अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो इन दोनों केसेस में क्या है, फर्म को लॉस होगा। और फर्म को लॉस होगा तो कोई भी नया पार्टनर जो एडमिशन लेगा हमारी फर्म में, वो उस लॉस को सफ़र नहीं करेगा। इसी वजह से क्या है, हम अपने पहले ही एसेट लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं उस पार्टनर के एडमिशन से पहले। और ऐसे सेम केस में अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब अगर कोई एसेट 5 लाख की होगी तो 5,70,000 की होगी, मीन्स 5,70,000 की होगी, तो जो 70,000 का प्रॉफिट हुआ है। और सेम ऐसे कोई लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर कम हो जाती है, तो इन दोनों ही केसेस में हम ना तो वो जो नया पार्टनर है वो उस प्रॉफिट को इंजॉय करेगा जो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन से आएगा, और ना ही वो उस लॉस को सफ़र करेगा जो लॉस हमारा एसेट की वैल्यू में कम होने से हुआ है। मतलब अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तब भी नए पार्टनर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तब भी नया पार्टनर कुछ भी सफ़र नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन से पहले एसेट और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ने से कुछ प्रॉफिट आया है तब भी, या कुछ लॉस आया तब भी, उस प्रॉफिट और लॉस को हम अपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें न्यू पार्टनर का कुछ भी रोल नहीं होता। तो अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उन दोनों को ही हम अपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। तो एक उन एसेट लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करने के लिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब जहाँ पर भी हमें एसेट और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करना होगा, वहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के लिए हम कुछ एंट्रीज़ करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री है फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर हमें एसेट की वैल्यू में कुछ डिक्रीज हो रहा है, अगर कोई एसेट की वैल्यू 5 लाख रुपीज़ थी पर अभी हमने उसको सेम उसी एसेट को मार्केट में चेक किया तो उसकी मार्केट वैल्यू 4,70,000 रुपीज़ हो गई, मतलब कि 30,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो अगर ऐसे ही किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट होगी उसका नाम आ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस है, अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस है, और लॉस है तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। उसके बाद सेकंड एंट्री होगी फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर ऐसे ही सेम केस है, अगर हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, एसेट की वैल्यू में जो है वैल्यू उसकी बढ़ गई, कोई जो एसेट थी वो 5 लाख की थी, अभी 5,50,000 की हो गई, तो जो 50,000 से उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है वो हमारे एसेट अकाउंट में हो जाएगा, वो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वहाँ पर एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मींस बिल्कुल रिवर्स एंट्री है। अगर डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर वैल्यू एसेट की इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट।
थर्ड एंट्री है फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर हमारी एसेट की वैल्यू जो फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है तो उस केस में, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब कोई पेमेंट हमें 50,000 करनी थी, अभी पता चला कि वो पेमेंट हमें 40,000 की करनी है, मतलब 40,000 सेटलमेंट हो गई है, तो अभी जो 10,000 की कम पेमेंट करनी है वो हमारा बेनिफिट है। अगर हमारा बेनिफिट है मतलब हमारा फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वहाँ पे होगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जहाँ पर हमें बेनिफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और जहाँ पर हमें लॉस हो रहा है तो वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो हमारा फ़ायदा है तो वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट है फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी। ऐसे ही सेम केस, जरूरी नहीं है कि हमारी वैल्यू कम ही हो गई लाइबिलिटी की, मे भी इंक्रीज हो जाए। कोई पेमेंट हमें 40 की करनी थी, पता चला 50 की करनी है, तो 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करनी होगी हमारी, वो लॉस हो गया, तो उस केस में लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अभी जो हमने इंक्रीज डिक्रीज़ किया है, मीन्स अगर एसेट की वैल्यू में कम ज़्यादा हुआ है या फिर सेम ऐसे ही लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में कम ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर प्रॉफिट कब होगा, जब रिवैल्यूएशन की जो है वो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो जो पैसा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट का, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और कौन सी रेशो में करेंगे हम उनको ट्रांसफ़र, ओल्ड रेशो के अंदर ही हम ट्रांसफ़र करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। तो जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो करेगा, प्रॉफिट कब शो करेगा, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा। तो जब प्रॉफिट शो करेगा तो हम उस प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स में क्रेडिट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और कौन से रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स में करेंगे, क्योंकि ये सारा काम जो है हम नए पार्टनर के आने से पहले करते हैं, तो इसी वजह से सारा काम ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर्स में ही होगा। तो एंट्री सिंपल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो क्या निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा। और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो करेगा तो वहाँ पर एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि अगर पार्टनर्स को बेनिफिट है मतलब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, तो वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, कि कुछ भी लॉस होगा, कुछ भी देना पड़ेगा तो वो डेबिट होगा उस केस में, और कुछ फ़ायदा होगा पार्टनर्स का तो वो क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिस पर नॉमिनल अकाउंट का रूल ही अप्लाई होगा। कुछ भी नुकसान है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, कुछ भी लॉस होगा तो डेबिट होगा, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कुछ भी इनकम या गेन हो रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो चीज़ अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे यहाँ पर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, मीन्स फ़ायदा हो गया, तो वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। एक नॉमिनल अकाउंट है और उसी का रूल इस पर अप्लाई होगा। अब हम करते हैं इसका परफॉर्मा, कि कैसे इसका फॉर्मेट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट, जिसमें डेबिट साइड तो वो आइटम्स आएंगे जहाँ पर लॉस हो रहा है फर्म को, और क्रेडिट साइड वो सारे आइटम्स आएंगे जहाँ पर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमने एंट्री क्या की थी कि एसेट अकाउंट एंट्री हुई थी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो कि वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होना था और टू एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो रही थी। सेम ऐसे ही अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़। तो सेम यहाँ पर मीन्स ओवरऑल वही बात है कि कुछ भी अगर हमें नुकसान होगा, कुछ लॉस होगा, तो वो होगा हमारा डेबिट। एसेट की वैल्यू कम होगी, लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलती है जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट हमें वो पे करनी है, वो हमारी लाइबिलिटी है, तो वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट ही होगी टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नेम से। वैसे ही क्रेडिट साइड कुछ प्रॉफिट होगा, जैसे कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो भी क्रेडिट। कोई रिकॉर्ड, कोई ऐसी एसेट जो हमें नहीं पता थी जिसकी वैल्यू, और हमें अभी वो मिली है,
तो फिर हम उसको भी कर देंगे क्रेडिट। कोई अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरी मिलेगी तो डेबिट, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिलती है तो क्रेडिट। और उन सारी एंट्रीज करने के बाद अगर हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा आता है तो हमारा निकलेगा प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन निकलेगा और उसको हम अपने ओल्ड अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। और ऐसे अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा निकलती है तो वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी ओल्ड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, हम ट्रांसफ़र करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर ही। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है तो प्रॉफिट होगा और डेबिट साइड ज़्यादा आती है तो लॉस होगा। ये सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ भी नुकसान है कुछ भी लॉस है तो डेबिट कर देंगे, जैसे कि वैल्यू कम हो रही है एसेट की या फिर वैल्यू ज़्यादा हो रही है हमारी लाइबिलिटीज़ की, या कोई ऐसी लाइबिलिटी जो हमें नहीं पता थी पर अब रिकॉर्ड हो गई, अभी पता चली है तो वो भी डेबिट होगी। सेम ऐसे ही कोई फ़ायदा है तो उसको कर देंगे क्रेडिट। प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे अपने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफ़ क्रेडिट साइड इज़ मोर, और इफ़ डेबिट साइड इज़ मोर तो हम लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे अपने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और कौन सी रेशो यूज़ होगी? ओल्ड रेशो यूज़ होगी। तो सिंपल सा ये हमारा फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम एक कुछ एंट्रीज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि जो हमें फॉर्मेट और एंट्रीज क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जनरल एंट्री करनी है, पास जनरल एंट्रीज। फर्स्ट पार्ट है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 10%, मीन्स जो वैल्यू के जो स्टॉक की वैल्यू है वो हमारी 10% से अंडर वैल्यू मानी गई है। अंडर वैल्यू मीन्स उसकी वैल्यू थी वो 10% ज़्यादा थी और हमने उस स्टॉक की वैल्यू को 10% कम मान लिया, उसको हमने अंडर वैल्यू कर लिया, अंडर एस्टिमेट कर लिया। मतलब कि उसकी वैल्यू किसी भी स्टॉक की, मान कर चलो एग्जांपल के तौर पे उस स्टॉक की वैल्यू 10,000 रुपीज़ थी पर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना 9,000 रिकॉर्ड किया, क्योंकि हमने उसकी 10% वैल्यू क्या कर ली? अंडर वैल्यू कर ली। हमने उसको 9,000 की का स्टॉक माना पर वो स्टॉक 10,000 का था, हमने 1,000 रुपये, दैट मीन 10% से हमने उसकी वैल्यू को अंडर वैल्यू कर लिया। अंडर वैल्यूएशन मीन्स जहाँ पर उसकी वैल्यू ज़्यादा है पर हमने अंडर वैल्यू कर लिया, हमने कम मान लिया उसकी वैल्यू को पर उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। तो भी हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है कि हम उस वैल्यू का स्टॉक है वो 10% अंडर वैल्यू माना गया था, मान लिया हमने, जबकि अंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने उस बुक वैल्यू को 50,000 लिख रखा है। 10% अंडर वैल्यू करने के बाद हमने उसकी बुक वैल्यू 54,000 रिकॉर्ड की है, बट अभी उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए कंप्लीट, मतलब ये जो वैल्यू है वो 90% की है। हमने उसकी 10% वैल्यू को अंडर वैल्यू कर लिया, मतलब कम मान लिया। तो इसका मतलब जो ये 54,000 हमारी वैल्यू गिवन है वो कितने की गिवन होगी? 90% वैल्यू गिवन है, क्योंकि 100% तो तब होगी जब वो प्रॉपर वैल्यूएशन हम उसके करेंगे, जब हमने अपनी चेक किया कंप्लीट वापस रिवैल्यूएशन करना स्टार्ट किया अपनी एसेट लाइबिलिटीज़ का, तो हमें पता चला कि जो वैल्यू थी स्टॉक की वो अभी 90% हमने मान के चली है, मतलब 10% उसकी वैल्यू हमने कम मान ली, 10% कम मान के हमने उसकी वैल्यू 54,000 रिकॉर्ड कर दी। बट अभी हम चेक करेंगे कि उसकी 100% पे कितनी वैल्यू होगी, जब 90% पे उसकी वैल्यू 54,000, तो हमें कैलकुलेट करनी है 100% पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, मीन्स 100% पर उसकी वैल्यू होगी 90 × 100, तो ये हमारा आ गया 60,000 रुपीज़। मतलब कि जो उस स्टॉक का वैल्यू था वो 60,000 रुपीज़ था पर हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉर्ड किया? 54,000, मीन्स हमने उस स्टॉक की वैल्यू को 6,000 रुपीज़ से कम रिकॉर्ड किया है बट उसकी वैल्यू 6,000 रुपीज़ ज़्यादा है। तो अभी जो हमने रिवैल्यूएशन किया है अपने एसेट लाइबिलिटीज़ का, उससे हमें क्या पता चला कि हमने एसेट की वैल्यू को कम रिकॉर्ड किया था पर अभी आज के अकॉर्डिंग उस एसेट की वैल्यू है वो 60,000 हो गई है, मतलब उस वैल्यू स्टॉक की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है? 54 तो हमने रिकॉर्ड कर रखी थी बट अभी 60 निकल के, एक्चुअल वैल्यू 60 है, तो कितने से हमारी जो है वैल्यू कितने से इंक्रीज़ हो गई है? 60,000 − 54,000 मीन्स 6,000 से हमारी जो वैल्यू है वो स्टॉक की इंक्रीज़ हो गई है। तो जब भी स्टॉक एसेट है तो जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी
तो हम एंट्री क्या करेंगे वहाँ पर, अपनी एसेट अकाउंट डेबिट मीन्स स्टॉक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर अगर एसेट के अकाउंट एसेट का जो वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। तो 6,000 रुपीज़ से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जहाँ पर ऐसा कुछ आपको लिखा मिले कि वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू मीन्स हमने कम मान लिया है। जब हमने कम मान लिया तो जितने परसेंट से अंडर वैल्यू होगा उतने परसेंट से हमने उसकी वैल्यू कम मानी होगी। अगर हमें 10% से अंडर वैल्यू है तो मीन्स 10% से अभी 90% हमारी वैल्यू हमने उसकी मान के चली है। 90% केवल 54,000 है बुक वैल्यू में, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में 90% के अकॉर्डिंग अपना रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी जब हम उसका सेम 100% निकालेंगे तो वो 60,000 निकल के आएगा। तो जो डिफरेंस है तो वो हमारा हो गया फ़ायदा, इंक्रीमेंट हो गया हमारे एसेट में। 54 रिकॉर्ड की थी, 60 हमारी निकल के आ गई। तो 6,000 का जो इंक्रीमेंट हुआ उसकी हमने एंट्री कर दी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन मीन्स स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 रुपीज़। सिंपल सी बात है। और अगर ऐसे ही सेम और अगर ऐसे ही किसी भी एसेट की वैल्यू यहाँ पर अंडर वैल्यू है मीन्स हमने कम मान के चली है, और अगर यहाँ पर अंडर वैल्यू की जगह ओवर वैल्यूड लिखा हो, ओवर वैल्यूड मतलब हमने उसकी वैल्यू ओवर कर ली, उसकी एसेट की जो वैल्यू है वो हमने ओवर वैल्यूएशन कर ली, उसकी वैल्यू कम थी बट हमने ज़्यादा मान ली। अंडर मीन्स हमने कम मान ली, और ओवर वैल्यूएशन अगर कहीं लिखा हो, ओवर वैल्यूएशन तो ओवर वैल्यूड कहीं लिखा हो तो मीन्स हमने उसकी वैल्यू ज़्यादा मान ली है, उसकी वैल्यू कम थी बट ज़्यादा मान ली है। तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर होगा, जितने से ज़्यादा मानी होगी वो उतना ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने अंडर वैल्यूएशन में माइनस किया 10% और ओवर वैल्यूएशन में वो 10% ऐड हो जाएगा। तो सेम हमें 100% पर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ओवर वैल्यूएशन में क्या होगा कि हमने ज़्यादा मान ली थी बट अब एक्चुअल में कम है, तो वहाँ पर हमारा स्टॉक का जो एसेट है उसमें उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। पर जहाँ पर अंडर वैल्यूएशन होगा वहाँ पर हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और जहाँ पर ओवर वैल्यूड लिखा होगा वहाँ पर हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन में सामने उसकी वैल्यूएशन ओवर कर लिया, ज़्यादा कर लिया पर उतनी उसकी वैल्यू नहीं थी, तो वहाँ पर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो हम वैसे एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट होगी उसकी एंट्री कर देंगे। सेकेंड केस है कि इफ़ वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ इंक्रीज टू, ये वर्ड बहुत ध्यान रखने वाला है, इट इज़ इंक्रीज टू, कि जो उसकी वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो अब इंक्रीज होकर 5 लाख रुपीज़ हो गई है, और उस लैंड और बिल्डिंग की बुक वैल्यू 4 लाख रुपीज़ थी। तो देखो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख रुपीज़ थी, अभी 5 लाख रुपीज़ हो गई है, तो मीन्स कितने से हमारी इंक्रीज हो गई, 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज हो गई। तो जब भी एज लैंड और बिल्डिंग के एसेट है तो एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी तो हम एंट्री क्या करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट मीन्स एंट्री हमारी क्या होगी सेकंड केस के अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्योंकि जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। कितने रुपीज़ से इंक्रीमेंट हुई है, 1 लाख रुपीज़ से, तो 1 लाख की एंट्री कर देंगे हम, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 4 लाख रुपीज़ थी और अभी हमने चेक की तो वो अभी 4 लाख से इंक्रीमेंट इंक्रीज होकर 5 लाख रुपीज़ हो गई है। तो मेन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री करते हैं जितनी से हमारी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। तो कितने से इंक्रीज हुई है, 1 लाख रुपीज़ से, उसकी हमने एंट्री कर दी। थर्ड केस है इफ़ वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ इंक्रीज्ड बाय, ये वर्ड भी बहुत ध्यान रखने वाला है। देखो दोनों बिल्कुल सेम है, वैल्यू ऑफ एसेट और वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ इंक्रीज्ड बाय 5 लाख रुपीज़, बुक वैल्यू 4 लाख रुपीज़, बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस है टू एंड बाय का। तो सबसे पहले हमें इस डिफरेंस का पता होना चाहिए, जहाँ पर भी इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड टू लिखा हो, टू का मतलब होता है कि यहाँ तक, या फिर यहाँ तक मतलब अभी इसका मतलब हो कि 5 लाख तक वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। टू मीन्स तक, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग टू मीन्स तक, कि यहाँ तक वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। जैसे कि 5 लाख रुपीज़ तक हमारी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो टू मीन्स यहाँ तक हुई है, अप टू यहाँ तक हमारी हो गई है। एंड सेकेंड वर्ड इज यूज्ड बाय दैट मीन्स से, कि इतने से हमारी जो वैल्यू है वो
इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। मीन्स अभी हमने थर्ड केस में क्या पढ़ा है कि इफ़ वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 5 लाख रुपीज़, मीन्स जो हमारी लैंड और बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज़ से बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है, 5 लाख रुपीज़ से बढ़ गई है, तो हम अपनी एंट्रीज में कितना रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख रुपीज़, ना कि हम रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर आपको बुक वैल्यू का कुछ भी नहीं करना होता, जहाँ पर भी इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय जितनी अमाउंट लिखी होगी, तो बाय के बाद जितनी भी अमाउंट लिखी होगी हम सेम वही रिकॉर्ड करेंगे। तो थर्ड केस में हमारी एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो वो तो बात पक्की है कि हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अब एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। बट हमने सेकेंड केस में क्या किया, 1 लाख रुपीज़, बिकॉज वर्ड इज़ यूज टू वर्ड यूज है, मीन्स यहाँ तक इंक्रीज हुई है, 5 लाख रुपीज़ तक इंक्रीज हुई है, 4 लाख रुपीज़ थी तो 1 लाख इंक्रीमेंट हो गया। बट थर्ड केस में इंक्रीज बाय 5 लाख रुपीज़, मीन्स 5 लाख रुपये से बढ़ गई है, तो अब कितने से बढ़ गए, जितने से इंक्रीमेंट हम वही रिकॉर्ड करते हैं, तो कितने से इंक्रीज हो गया, 5 लाख रुपीज़। बिल्कुल सेम, जो अगर आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल दोनों के दोनों बिल्कुल सेम केसेस हैं, सिर्फ टू और बाय जो वर्डिंग है वो उन्हीं से इनका जो अमाउंट है वो चेंज हो गया, टू और बाय वर्ड से इनका अमाउंट चेंज हो गया। टू मीन्स यहाँ तक इंक्रीज हुई है, मीन्स 5 लाख रुपीज़ तक, 4 लाख थी तो 5 लाख हो गई, तो 1 लाख इंक्रीज हो गई, एंड बाय मीन्स इतने से इंक्रीज हुई है, तो अभी यहाँ पर लिखा कि बाय 5 लाख रुपीज़, मीन्स 5 लाख रुपीज़ से इंक्रीज हुई, तो हमने 5 लाख रुपीज़ है वो रिकॉर्ड कर दिया। प्लीज़ आप ध्यान रखना क्वेश्चन करने से पहले कि वर्ड इज़ यूज टू और बाय, क्योंकि टू का अलग मीनिंग और बाय का अलग मीनिंग है, मतलब बिल्कुल सेम स्टेटमेंट होने के बाद भी दोनों वर्ड में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है अमाउंट्स में, तो आप ध्यान रखना टू और बाय वर्ड का मीनिंग। नेक्स्ट फोर्थ केस है हमारा कि एक लाइबिलिटी है फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की है, 4 रुपीज़ 20,000 की एक लाइबिलिटी है, इज सेटल्ड एट 16,000 रुपीज़, मतलब कोई लाइबिलिटी जिसकी वैल्यू 20,000 रुपीज़ थी बट अभी उसकी सेटलमेंट 16,000 रुपीज़ में हो गई, मतलब हमने किसी क्रेडिटर्स के 20,000 पे करने थे बट अभी उसको 16,000 पे किए हैं, तो अगर हमने कम पे किए हैं तो हमारा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। दूसरी बात, अगर आप वैसे देखोगे तो क्रेडिटर्स यहाँ पर कम हो गए, 20,000 रुपीज़ के थे बट उनकी सेटलमेंट 16,000 रुपीज़ में हो गई, मीन्स क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो अभी कम हो गई, क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है वो कम हो गई, तो अब जब लाइबिलिटी में डिक्रीज होता है तो वो भी बेनिफिट ही है कि हमें 4,000 की कम पेमेंट करनी होगी, तो हम इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि हमने पेमेंट की है तो हमारी एंट्री होगी, सॉरी एक सेकेंड, पेमेंट की है तो हमारी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सबसे पहली बात कि हमारी जो लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो वहाँ पर हम लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने के क्रेडिटर्स थे, 20,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स थे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, 4,000 रुपीज़ जाएगा, क्योंकि 20 माइनस 16, और जो बाकी 16,000 जाएगा हमारा बैंक अकाउंट से, तो उस केस में हमारा बैंक अकाउंट हो जाए क्रेडिट 16,000 रुपीज़, क्योंकि 16,000 की हमने पेमेंट की है और 4,000 हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा बिकॉज इट इज़ अ बेनिफिट फॉर द फर्म। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जहाँ पर हमें कम पेमेंट करनी होगी क्रेडिटर्स को, या जहाँ पर हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू है वो कम हो रही है तो हमारा फ़ायदा है, वेन डिक्रीज इन लाइबिलिटी तो हमारा फ़ायदा है, तो हम वहाँ पर करेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट और अपने लाइबिलिटी अकाउंट को करेंगे डेबिट, तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स से 20,000 रुपीज़ के, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ उतना ही जाता है अमाउंट जितना कि जितनी अमाउंट से जो हमारा है डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, मतलब जितनी अमाउंट से कम जाता हुआ है एसेट लाइबिलिटी में वही अमाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं। तो 20 का 16 तो हमने पेमेंट की ही है, कितने से कम हुआ, 4,000 से, तो हमारे वैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा और बाकी चला जाएगा हमारा बैंक अकाउंट में बिकॉज हमने वो पेमेंट की है। तो ये हमने चार केसेस डिस्कस किए रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जस्ट एक
क्लियर करने के लिए अपनी एंट्रीज को कैसे मेंट्री करनी है, और ओवर वैल्यूएशन मीन्स कैसे होता है, क्या होता है और उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, अंडर वैल्यूएशन क्या होता है, कैसे 100% वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, टू वर्ड का यूज़, बाय वर्ड का यूज़, हमने जितना डिस्कस करना था मेन डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट कीजिए। आप कुछ भी किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो पीछे क्वेश्चन गिवन होते प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वहाँ से कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चन में डाल के हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आप उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन देंगे। और भी कुछ डाउट हो आपका इस टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। बाकी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में टोटल 5 एडजस्टमेंट होती हैं, 5 में से हमारे 3 डिस्कस कर चुके हैं हम। फर्स्ट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्कस कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। सेकेंड इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड इज़ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, वो भी हम आज डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट हो 3 केसेस में तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, और मेल आईडी भी गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप का मेल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ताकि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारी वीडियो जो चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा।